हमेशा दिखेगी आपको एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की अनदेखी ताकत, जो मजबूती दे रही है आपको, देश को। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। घुमारवी में हिमाचल किसान एवं जनकल्याण सभा ने केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सभा ने केंद्र सरकार से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की बात सुनने की मांग की है। इस अवसर पर सभा के प्रदेश महासचिव बृजलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित काले कानून किसानों के हित में नहीं है। इन कानूनों के पारित होने से किसानों को कोई लाभ नहीं है। इस अवसर पर सभा के प्रमुख पदाधिकारी सीताराम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने काले कानून लागू कर किसान हितों के साथ खिलवाड़ किया है। जो आज देश की सरकार ने बिल पास किया गया है, तो यहाँ छोटे किसान को इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जो देश के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की बात को सुनना चाहिए और किसान विरोधी बिल को शीघ्र वापस लेना चाहिए, ताकि देश का किसान अन्नदाता है। अन्न से ही देश के किसानों की, हर व्यक्ति की भूख मिटती है। तो अन्न के दाता के साथ इस तरह से रुख रवैया देश के प्रधानमंत्री को नहीं अपनाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश किसान एवं जनकल्याण सभा हिमाचल प्रदेश देश की सरकार के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जो देश में किसान दिल्ली में बैठे हैं, उनकी बात को सुने। और हिमाचल प्रदेश का किसान भी यही मांग करता है कि इस किसान बिल को वापिस लें। देश की संसद द्वारा ये जो काला कानून किसानों के लिए थोपा गया, ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है और किसानों के साथ धोखा है। इसके लिए ना तो किसानों की राय ली गई, ना ही किसान संगठनों को पूछा गया और ना ही उन्होंने कोई मांग की है। ये किसान विरोधी बिल जो है, माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार से निवेदन है कि इनको निरस्त किया जाए और किसानों को न्याय दिलाया जाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।